दोस्तों आज आपके लिए आई है कफ और खांसी से जुड़ी एक बहुत ही शानदार सी यूजफुल सी रेमेडी जो बनेगी एकदम फटाफट से, लगभग एक मिनट भी नहीं लगेगा इसको बनाने में। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि ये रेमेडी मैं कैसे बनाती हूँ। और इसे जब भी गले में कोई दिक्कत हो, गले में दर्द हो, खांसी हो, कफ हो, तो इस रेमेडी को जरूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर खांसी की इस दवा को बनाने के लिए मैंने लिया है नींबू का रस, लगभग हाफ नींबू का रस लिया है। थोड़े से हमें शहद की जरूरत होगी। जी हाँ, बस इन दो चीजों से हम इस दवाई को बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं कि ये जो कफ सिरप है वो मैं कैसे बनाती हूँ। तो इस कफ सिरप को बनाने के लिए एक कटोरी ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून भर के शहद, यानी कि शहद का जो रेशियो है वो 2 होगा। आप किसी बड़े स्पून से भी इसे नाप सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 टीस्पून शहद ले रही हूँ। अगर आपके पास देसी शहद है तो वो ज़्यादा अच्छी है, अगर आपके पास देसी शहद है तो वही लीजिएगा। तो 2 टीस्पून शहद डालने के बाद अब जाएगी इसमें 1 टीस्पून भर के लेमन जूस, यानी कि नींबू का जूस। और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी हाँ, हमारा ये सिरप लगभग बनकर तैयार है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद जब आपको इसे देना हो पेशेंट को, तो हल्का सा गरम कर लें चम्मच में डालकर, और हल्का सा गरम करें इस सिरप को। और बड़ों को आप 1 चम्मच दिन भर में 3 बार, 3 अलग अलग टाइम पे दे सकते हैं। बच्चों को हाफ हाफ चम्मच दे सकते हैं, और बच्चों को भी हल्का सा गरम करके दें। तो उससे आप देखेंगे कि गले में कोई भी दर्द है, तकलीफ है, कफ है, खांसी है, सूखी खांसी है, किसी भी तरह की खांसी में ये दवा बहुत ही फायदा करती है। तो इस तरह का कफ सिरप बनाकर आप रख लीजिए और 2 से 3 दिन जो है लगातार देते रहिए, तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलूंगी अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।